अगर हम फिटनेस में सबसे कॉमन करे जाने वाली मूवमेंट की बात करें तो उनमें से एक आता है क्रंचेस या सिटअप्स। ये मूवमेंट बिगिनर्स और प्रो एथलीट्स सारे करते हैं, बट पिछले कुछ सालों में कुछ कंट्रोवर्सीज डेवलप हुई हैं कि एक्स्ट्रा क्रंचेस या सिटअप्स करने से आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई तो ऑटोमेटिकली दो स्कूल्स डिवाइड हो गए। एक स्कूल कहता है कि सिटअप्स और क्रंचेस बहुत नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है और इससे कुछ नहीं होता, और बहुत सारी रिसर्च ये प्रूव करती है ऑन द अदर हैंड कि ये आपकी बैक को डैमेज करता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो कंटिन्यूस स्पाइनल फ्लेक्शन हम करते हैं ये आपकी डिस्क या स्पाइन को डैमेज कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत लोगों को इसकी डीप रिसर्च के बारे में पता है। जब मैंने इस सब्जेक्ट पे स्टडी किया तो बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट्स निकल कर आए। सो लेट्स सी एग्जैक्ट रिसर्च इस पे है क्या। स्पोर्ट्स फील्ड के दो लीडिंग रिसर्चर्स ब्रेट कॉन्ट्रेरास और ब्रैड शॉनफेल्ड ने 2011 में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश करी। इस रिसर्च में उन्होंने 50 से ऊपर स्टडीज को एनालाइज करा जो सेटअप्स और क्रंचेस को लेकर बनी थी, और उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट इसमें बताए। पहला फैक्ट ये था कि जितनी भी स्टडीज हुई ये प्राइमरली हुई थी पिग्स के स्पाइन के ऊपर, ह्यूमंस पर नहीं, और पिग्स और ह्यूमन के स्पाइन में बायोमैकेनिकली बहुत डिफरेंस है। सेकंड, जब इनको ह्यूमंस पर टेस्ट करा गया तो प्राइमरली टेस्टिंग हुई कैडेवर्स यानी डेड बॉडीज पर, और उन्होंने रिसर्च में देखा कि जो ह्यूमन की लिविंग स्पाइन है या डेड की जो स्पाइन है उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, उनकी मूवमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि जब रिसर्चर्स ने अपनी अपनी रिसर्च करी तो उसमें उन्होंने स्पाइनल फ्लेक्शन बहुत एक्सट्रीम तक करी। हम जनरली जिम्स में 2, 3, 4, 5 सेट्स करते हैं सिटअप्स या क्रंचेस के, पर रिसर्चर्स ने अपनी अपनी स्टडीज में इतनी एक्सट्रीम स्पाइनल फ्लेक्शन दिखाई जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि स्पाइनल फ्लेक्शन एक्चुअली बहुत सारी स्पोर्टिंग मूवमेंट्स में यूज होती है। आप बिना स्पाइन को फ्लेक्स किए कोई भी मूवमेंट जनरली नहीं परफॉर्म कर सकते। शॉनफेल्ड और कॉन्ट्रेरास जब भी रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने एक कंबाइंड रिजल्ट देखा जो बहुत शॉकिंग था। वो ये था कि इन सारी की सारी स्टडीज में स्पाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम बताई गई। कुछ स्टडीज में बोला कि स्पाइनल फ्लेक्शन नहीं करनी चाहिए, कुछ ने बोला रोटेशन नहीं करनी चाहिए, कुछ ने बोला एक्सटेंशन नहीं करनी चाहिए, कुछ ने बोला कि आप फ्लेक्शन और लेटरल बेंडिंग नहीं कर सकते। सो अगर इस तरह देखा जाए तो एक्चुअली आप अपनी स्पाइन को मूव ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्चेस गलत हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी ठोस या सॉलिड रिसर्च इस पे नहीं मिली। रिसर्चर्स ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बिगिनर्स के लिए सिटअप्स और क्रंचेस एक बहुत ही बेनिफिशियल मूवमेंट है। इस मूवमेंट से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, प्रॉब्लम तब होता है जब आप इस छोटी सी मूवमेंट को अपने वर्कआउट का एक मेजर पार्ट बना लेते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हर एक वर्कआउट में आएगा, जिसको हम सिंपल टर्म्स में ओवर ट्रेनिंग कहते हैं। स्पाइनल फ्लेक्शन आपके डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह आप बेड से उठते हैं तो आपको स्पाइन फ्लेक्स करनी पड़ती है। अगर आप जमीन से कोई चीज उठाएंगे तो आपको स्पाइन फ्लेक्स करनी पड़ेगी। अगर आप कोई बॉल को थ्रो करेंगे तो स्पाइन फ्लेक्स के साथ साथ रोटेट होगी। तो ये बहुत ही कॉमन मूवमेंट है जो रेगुलर आपके डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होती है। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं मैक्सिमम लोगों को ये मूवमेंट करने के लिए मना करता हूँ। उसके दो रीजंस हैं। फर्स्टली, ये एक बहुत ही माइनर मूवमेंट है जो सिर्फ प्राइमरीली आपके एब्डोमिनल्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर आप हैवी वर्कआउट्स कर रहे हैं, स्पेशली लेग वर्कआउट लाइक स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स, या आप लेग प्रेसेस कर रहे हैं, तो आपके एब्डोमिनल्स पे बहुत ज्यादा लोड ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये माइनर से सेटअप्स और क्रंचेस से आपको कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जो सेकेंड और सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि आजकल हमारा पोस्चर खराब होता जा रहा है, और जो हमारी एस या जे शेप्ड स्पाइन है which is now turning into a C-shaped spine. और ये C-shape इसलिए हो रही है because अगर आप अपना day to day activity को observe करें तो आप देखेंगे कि जब आप उठते हैं तो आप breakfast करते हैं table पर बैठकर इस position में, आप इसी position में गाड़ी में बैठते हैं और अपने office जाते हैं, पूरे दिन office में भी हम इसी position में बैठे होते हैं, वापस अगेन हम आते हैं गाड़ी में drive करके same position में, और हम gym में आकर sit-ups और crunches करते हैं और इस position को reinforce करते हैं। तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पाइन जो पूरे दिन इतनी फ्लेक्स थी उसको आप फर्दर डैमेज कर रहे हैं। सेटअप्स और क्रंचेस मना इसीलिए करे जाते हैं आजकल। फॉर अ स्पोर्ट्समैन ये प्रॉब्लम जनरली नहीं आती बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत तरह की होती है और फिजिकली बहुत एक्टिव होता है। बट लेमैन के लिए सेटअप्स और क्रंचेस एक बहुत ही माइनर और सिंपल मूवमेंट है। अगर आप इसे नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और मिथ सेटअप्स और क्रंचेस से लेकर यह आती है कि जितने भी कोचेस हैं वो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप एक्स नंबर ऑफ सेटअप्स रोज करिए।
No, this is a total time waste. क्योंकि coaches और clients दोनों को ऐसा लगता है कि sit-ups और crunches करने से शायद हमारा abdominal fat कम हो जाएगा. मैंने पहले भी बताया है कि body का fat पूरी body से एक साथ कम होता है, कुछ point से नहीं. तो जब आप heavy workouts करेंगे, अपनी body को overall overload करेंगे, तो आपका fat percentage ज़्यादा कम होगा, rather than एक छोटी-छोटी या minor exercise जैसे कि sit-up या crunches से. उसे आपके abdominals को कुछ नहीं होगा. Conventional sit-up और crunches के साथ एक problem और आती है. वो है इनको करने का गलत तरीका. मैक्सिमम लोग जब क्रंचेस और सिटअप्स करते हैं तो वो हाथ को अपनी गर्दन के पीछे रख लेते हैं, और जब वो थोड़ा सा थक जाते हैं तो एक्चुअली अपनी नेक को पुल करने लगते हैं जस्ट टू कंप्लीट अ सिटअप और अ क्रंच. ये एक बहुत ही गलत तरीका है. एक्सेसिव करने से आप अपनी नेक को स्ट्रेन कर सकते हैं. अगर आपको सिटअप्स और क्रंचेस करने हैं तो प्लीज अपने आर्म्स को अपनी चेस्ट के अक्रॉस रखिए और अपनी एब्डोमिनल्स का यूज करिए अपने को रेज करने में, रादर देन अपनी नेक का. कुछ फिजिशियन या डॉक्टर्स का यह कहना है कि आपको सिटअप्स या क्रंचेस नहीं करने चाहिए. ये इसलिए क्योंकि इससे डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई भी स्टडी इसे प्रूव नहीं करती. वो इसलिए क्योंकि सिटअप्स और क्रंचेस में आपकी स्पाइन फ्लेक्स तो करती है, बट उस पर इतना लोड नहीं होता कि आपकी डिस्क हर्निएट हो सके. सो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बेशक सिटअप्स और क्रंचेस को अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर हफ्ते में आप इसे एक आध बार भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसको करने की कोई जरूरत नहीं है. ये कोई बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है. इट्स अ गुड एडिशन, बट इसे मेन वर्कआउट की तरह कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. सेकेंडली, माइनर सिटअप से क्रंचेस करने से ना तो आपका फैट परसेंटेज कम हो रहा है, ऑन द अदर हैंड आपके स्पाइन को भी कोई मेजर डैमेज नहीं होता. सो प्लीज गेट योर फैक्ट्स क्लियर, क्योंकि रिसर्च कुछ और प्रूव करती है और अफवाहें किसी और चीज की फैलती है. और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड.